मेरा नाम है सौरभ भट्ट, इस जहाज का द्वितीय मेट, सेकंड मेट ऑफ अ फॉरेन गोइंग शिप। मैं हूँ आपका सलाहकार, हिंदी में स्वागत है CPOV में। आज चर्चा करेंगे लाइफ बॉय के बाबत। लाइफ बॉय क्या होता है, इसका क्या प्रयोजन है, इसकी क्या स्पेसिफिकेशंस हैं और इसमें क्या चेक्स किए जाते हैं। ये देखिए, ये एक लाइफ बोट रखा हुआ है आपके दर्शन के लिए। ये जो लाइफ बॉय है, इस लाइफ बॉय का प्रयोजन क्या है? यदि कोई मैन ओवर बोर्ड हो जाए, कोई पानी में गिर जाए, तो उसके पास हम ये लाइफ बॉय फेंकते हैं, वो इस लाइफ बॉय को पहन सकता है और डूबने से बच सकता है। तो यह है लाइफ बॉय का प्रयोजन। अब ये लाइफ बॉय जब भी आप देखते हैं, जहाज़ पे चेक कर रहे होते हैं, तो देखें ये फायर एंड सेफ्टी प्लान के अनुसार हो। फायर एंड सेफ्टी प्लान में जितने कहे हैं उतने ये हों और अपने यथास्थान पे हों। तो फायर एंड सेफ्टी प्लान में जिस स्थान पे बताया गया है उसी स्थान में वास्तव में भी शिप में हो, तो ये आपको सबसे पहला चेक करना है। वैसे IMO 16 की क्या रिक्वायरमेंट है, कितने लाइफ बॉय होने चाहिए जहाज़ पे, ये निर्भर करता है जहाज़ की लंबाई पे। 100 मीटर तक का जहाज़ या उससे छोटा जहाज़ है तो मात्र 8 लाइफ बॉय पर्याप्त हैं। 100 से 150 तक मीटर का जहाज़ हो तो 10 लाइफ बॉय पर्याप्त हैं। 150 से 200 मीटर तक का जहाज़ हो तो 12 लाइफ बॉय पर्याप्त हैं, और 200 मीटर एवं 200 मीटर से अधिक का की लंबाई का जहाज़ हो तो 14 लाइफ बॉय पर्याप्त हैं। तो ये तो थी स्पेसिफिकेशन। अब देखिए, ये हमारा छोटा सा जहाज़ है, छोटी कंपनी, छोटा जहाज़, छोटी सैलरी, काम भी थोड़ा कम रहता है, लेकिन छोटी कंपनी छोटी जहाज़ में फ़ायदा ये है, प्रमोशन जल्दी होती है। मैं पास से दिखाता हूँ, छोटा सा जहाज़ है, इसकी लंबाई है 70 मीटर। तो देखिए 70 मीटर कितना लंबा नज़र आता है, इससे जब लंबे हुए हैं, ये मात्र 70 मीटर है। ठीक है, तो ये तो होगी रिक्वायरमेंट कि कितनी नंबर होनी चाहिए। अब सबसे पहले जब भी आप लाइफ बॉय को देखते हैं, देखें लाइफ बॉय पे स्टेंसिल्स क्या क्या लगे हुए हैं। लाइफ बॉय पे दो स्टेंसिल आवश्यक हैं, एक जहाज़ का नाम, दूसरा पोर्ट ऑफ रजिस्ट्री। अब इसमें क्या समस्या है, ये सीधा है ये उल्टा लगा हुआ है, ऐसे नहीं है। स्टेंसिल सही प्रकार से करें, दोनों सीधे होने चाहिए, दोनों एक बार में सीधे में नज़र आएँ। दूसरा देखें कंडीशन ऑफ रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप। ये रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप है, इसकी कंडीशन क्या है, अच्छी है या नहीं। ये इसकी ख़राब थी, ये नहीं बदली है, बिल्कुल ब्रांड न्यू है, अच्छी कंडीशन में इसलिए नज़र आ रही है। इसका प्रयोजन क्या होता है, रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप का प्रयोजन ये है, ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, तो दिन में भी और रात्रि में भी जो भी लाइट इस पर पड़ती है उसको ये रिफ्लेक्ट करता है, तो ये चमकता है, तो चमक पैदा करता है, इसका ये प्रयोजन है। लाइफ बॉय को जब आप देखें कंडीशन विजुअली इंस्पेक्ट करें, कहीं क्रैक्स तो नहीं है, कहीं पे होल तो नहीं है, ये आप ज़रूर देखें। अब यहाँ देखें, आपको जगह जगह पे पेंट उकड़ता नज़र आ रहा है, ये देखा, एक ये, फिर ये, फिर ये पेंट उकड़ता नज़र आ रहा है। अब ये गलत बात है, पहली बात, लाइफ बॉय को पेंट करना अलाउड नहीं है, ठीक है, जहाज़ पे लाइफ बॉय को पेंट करना अलाउड ही नहीं है। कभी कभी आपने स्टेंसिल बदलना होता है तो स्टेंसिल के ऊपर आप ऑरेंज पेंट करते हैं, फिर नया स्टेंसिल ऊपर लगाते हैं, ये भी बिल्कुल गलत है, पेंट करना अलाउड ही नहीं है। आपको स्टेंसिल बदलना है, स्कॉच ब्राइट लें और इसको मांजें, स्कॉच ब्राइट से ये उखड़ जाएगा और उसके बाद आप नया स्टेंसिल कर सकते हैं, तो ये सही तरीका होता है, ठीक है। इनर डायमीटर कितना होता है इसका, 400 मिलीमीटर मिनिमम इनर डायमीटर, 400 मिलीमीटर मैक्सिमम आउटर डायमीटर 800 मिलीमीटर, ठीक है। और ये ग्रैब लाइन नज़र आ रही है, ग्रैब लाइन की लेंथ कितनी होनी चाहिए, ट्वाइस ऑफ आउटर डायमीटर। अब देखिए ग्रैब लाइन की हालत देखिए, अच्छा दोनों साइड स्टेंसिल होना अनिवार्य नहीं है, लाइफ बॉय के किसी भी एक साइड पे स्टेंसिल हो पर्याप्त है। अब देखिए लेंथ आपको यहाँ से नज़र आ रही है कि लेंथ छोटी है, ये गलत बात। दूसरा लाइफ ग्रैब लाइन पे देखिए पेंट लगा हुआ है, देख रहे हैं ऑरेंज पेंट लगा हुआ है, गलत बात है, अगर पेंट लगा है तो ये नहीं लगानी पड़ेगी, और वैसे भी ये लेंथ छोटी है, ट्वाइस द आउटर डायमीटर होनी चाहिए लेंथ। इसका डायमीटर कितना होना चाहिए ग्रैब लाइन का, 9.5 मिलीमीटर, 9.5 मिलीमीटर, ठीक है। ग्रैब लाइन का प्रयोजन क्या है, ग्रैब लाइन का प्रयोजन ये है कि एक बंदा तो इसको पहन लेगा, एक बंदा जो पानी में गिरा हुआ है वो तो इसको पहन लेगा, इसके बीच में चला जाएगा, जो बाकी और चार लोग इसका इस पे सपोर्ट ले सकते हैं, कैसे, वो इस ग्रैब लाइन को पकड़ेंगे, इस ग्रैब लाइन को पकड़ के सपोर्ट कर सकते हैं, तो टोटल ये 5 लोगों को सपोर्ट कर सकता है,
समझ रहे हैं, 5 लोगों को सपोर्ट, एक अंदर, बाकी 4 अब ये पकड़ के हाथ से पकड़ सकते हैं। दूसरा ग्रैब लाइन का फ़ायदा है, जब आप देख रहे हैं पानी में कोई आदमी लाइफ बॉय के अंदर है, उसको जब आप रेस्क्यू करने जाते हैं रेस्क्यू बोट में, तो आप उसको अपने हुक से पुल करते हैं। तो हुक कहाँ पे लगाएंगे, हुक लगाते हैं ग्रैब लाइन पे और फिर अपनी तरफ खींच देते हैं, समझ गए। तो ये थे फ़ायदे ग्रैब लाइन के। अब इसका रंग देखिए, रंग है इंटरनेशनल ऑरेंज। इंटरनेशनल ऑरेंज क्यों होता है, क्योंकि इंटरनेशनल ऑरेंज जो रंग है वो हाईली विजिबल होता है, ठीक है। और पानी ब्लू है, पानी नीला होता है, नीले में ऑरेंज बहुत अच्छे से नज़र आता है। एक जहाज़ भी दिख रहा है आपको ऑरेंज कितने अच्छे से नज़र आ रहा है, बाकी 2 जहाज़ देखिए ब्लू हैं, वो इतने अच्छे नज़र नहीं आ रहे, इसलिए ऑरेंज का प्रयोग किया जाता है। हाईली विजिबल एंड इज कॉन्ट्रास्टिंग टू द सी, कॉन्ट्रास्टिंग टू द ब्लू कलर। लेकिन इससे भी ज़्यादा हाईली विजिबल रंग होते हैं ना, सर्वाधिक हाईली विजिबल कौन सा रंग है, सर्वाधिक हाईली विजिबल होता है रेड। तो फिर रेड का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है, लाइफ बॉयज ऑरेंज ही फिर क्यों होते हैं, क्योंकि ऑरेंज, ये वाला जो ऑरेंज रंग है, ये कलर ब्लाइंड व्यक्ति को भी नज़र आता है। तो इतना आपको समझ आया। अब ये कितने किलो के, कितना वज़न ये सह सकता है, कितने वज़न को पकड़ के ये फ्लोट कर सकता है पानी में, तो LSA कोड की रिक्वायरमेंट है कि 14.5 किलो का आयरन इस पर फ्लोट कर सकता है 24 आवर्स के लिए, जो फ्रेश वाटर में रखा जाए, ठीक है। तो कैसे इसकी टेस्टिंग की जाती है, फ्रेश वाटर में ये सपोर्ट कर सकता है 14.5 kg आयरन को, तो ये इसकी रिक्वायरमेंट होती है, इतना वज़न ये सह सकता है। ये भी बात आपको समझ आई। ये किस मटेरियल से बना हुआ है, क्यों ये फ्लोट करता है, LSA कोड की रिक्वायरमेंट है कि उस मटेरियल का बना हो जो इनहेरेंटली बॉयंट हो, ठीक है। तो कौन सा इनहेरेंटली बॉयंट मटेरियल प्रयोग किया जाता है, फोम, किसी भी प्रकार की फोम हो सकती है इसके अंदर, जैसे रबर फोम, सिंथेटिक फोम, पॉलीयूरीथेन फोम और कई प्रकार के पॉलीमर हैं जिसकी फोम्स होती हैं, तो कोई भी फोम हो सकती है। बाहर से जो प्लास्टिक है ये होता है PVC, ये PVC का बना होता है बाहर से, तो अंदर फोम है बाहर PVC है। कभी कभी इस PVC के ऊपर वाइनल पेंट की कोटिंग होती है। अब वो कंपनी करे, मैन्युफैक्चरर करे या ना करे, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें जहाज़ पे स्वयं कभी भी कोटिंग नहीं करनी है पेंट की, वो अलाउड नहीं है, वो एक नॉन, एक ऑब्जर्वेशन है, गलत है। इतना आपको समझ आया। ये कितना वज़न होना चाहिए, इसका कितना वज़न होना चाहिए, कम से कम 2.5 किलो का होना चाहिए ये, ठीक है। लाइफ बॉय 2.5 किलो का होना चाहिए, सिर्फ जो ब्रिज विंग पे लगे होते हैं मैन ओवर बोर्ड के साथ लाइफ बॉयज, सिर्फ इनका जो वज़न है ज़्यादा होता है, 4.5 किलो इनका होना चाहिए। देखिए ये पोर्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये पोर्ट साइड पे है, ये स्टारबोर्ड साइड पे हैं, ये भारी हैं, ये कम से कम साढ़े चार किलो के होते हैं और ये 2.5 किलो का, मैं भूल रहा हूँ 4.5 किलो के हैं ये या 4 किलो के हैं, मैं चेक करके आपको अगली वीडियो में बता दूँ। तो ये थी सारी स्पेसिफिकेशंस, ठीक है। और जहाँ पे भी लाइफ बॉय लगा हो वहाँ पे लाइफ बॉय का IMO सिंबल ज़रूर लगा होना चाहिए। अब यहाँ पे लगा ही नहीं हुआ, नहीं तो मैं आपको दिखा देता। और जो भी इनके सिक्योरिंग क्लैंप्स हैं, ठीक है ना, उसकी कंडीशन देखें, रस्ट तो नहीं लगी हुई, पेंट हो रखा है, तो ये भी चेक्स आप करें। तो थर्ड ऑफिसर को चेक्स करने होते हैं मंथली और वीकली। मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अभी भी कोई शंका शेष है तो टिप्पणी में मुझसे पूछें। सौरभ भट्ट आउट।